एवरीवन वेलकम टू रारा। आज मैं एक न्यू लिप बाम का रिव्यू कर रही हूँ। इसे मैंने एक सुपरमार्केट स्टोर से परचेज किया था। ये है स्किनेला लिप बाम, पीच फ्लेवर में है, इन्फ्यूज्ड विद ऑलिव ऑयल। दिस लिप बाम कीप्स योर लिप सॉफ्ट एंड डीपली मॉइस्चराइज। यू कैन सी द आउटर पैकेजिंग, इट्स वेरी सिंपल एंड 110 रुपए का है। 3.6 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। और ये जो है, आप इसके पेज को फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर पे सर्च कर सकते हैं। और बात करूं इस प्रोडक्ट की, तो इसको जब मैंने इस्तेमाल किया तो ये मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए। मुझे ऑनलाइन इससे पहले मुझे नहीं दिखा था। और इसका जो यू नो फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा बटरी, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये एक टिंटेड लिप बाम भी है। एड अ टच ऑफ फ्रूटी फन टू योर लिप्स विद पीच लिप बाम इन्फ्यूज्ड विद एसेंशियल ऑयल्स। दिस हेल्प्स हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज योर लिप्स। एड अ बर्स्ट ऑफ स्वीट फ्लेवर एनी टाइम एनी वेयर। इसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग में। एंड इसकी पैकिंग बड़ी सुंदर है, बहुत ब्यूटिफुल। इसमें कई सारे फ्लेवर थे, मैंने लेकिन इससे सबसे पहले पीच ही ट्राई करने का सोचा। और एक्चुअली ये मैंने ROC से लिया है लखनऊ में। मैं वहाँ पे रात में घर की ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेने के लिए गई थी। जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं रात में ही शॉपिंग के लिए जाती हूँ, ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। तब मैंने वहाँ पर ये परचेज़ किया। और इसको आप सिंपली अपने लिप्स पर अप्लाई कर लीजिए एंड दिन में आप इससे टचअप भी कर सकते हैं। आप इसे लिपस्टिक से पहले और लिपस्टिक के बाद दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट लिपस्टिक भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें पेट्रोलियम जेली भी है, पैराफिन भी है, वैक्स भी है। और इसके अंदर पैराबिन है या नहीं मैं आपको भी बता देती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट चेक कर रही हूँ। परफ्यूम है इसके अंदर दोस्तों, लेकिन पैराबिन कहीं नहीं है, बट पैराफिन है। और अब मैं इसे आपको लगाकर दिखा रही हूँ। ये 30 मंथ यानी कि 30 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, यू कैन सी दिस इज द लिप बाम। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इंटेंस पीची शेड, जैसा कि मैंने ड्रेस पहना है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही इसका कलर है। और इसकी पैकिंग पर भी, यहाँ पर इनर पैकिंग पर भी ये प्रिंट है। ये किसी प्रकार का कोई एक तरीके का टिंटेड ही लिप बाम कहेंगे इसको। तो मैं फर्स्टली इसे अप्लाई कर लेती हूँ। एज यू कैन सी, बहुत लाइट सी न्यूड शेड वाली टच देता है ये लिप्स को। और लिप बाम तो भाई आप जितनी बार अप्लाई कर लो उतना कम है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि लिप्स ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप समझ नहीं पाते और आप एकदम से हंस देते हो तो लिप्स एकदम से ड्राई होके ब्लीडिंग होने लगती है उनसे, वो बहुत दर्दनाक होता है। तो आपको लिप बाम ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए, दिन में 2-3 बार अप्लाई कर लेना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले, या कुछ अच्छा लिप मास्क आपको रात में अप्लाई करना चाहिए लिप्स पे। तो ये लिप बाम ओवरऑल 10/10 प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल फिनिश देता है, कलर देता है, लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है, सेफ रखता है। एंड मुझे इसकी पैकिंग भी पसंद है और इसका फॉर्मूला भी पसंद है। बहुत ज्यादा ग्लॉसी भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्टिकी भी नहीं है। एंड 110 रुपए में अच्छा लिप बाम है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली टीनेजर्स दोस्तों। और पीच लिप बाम, और क्योंकि टीनेजर्स को लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है, मतलब ऐसा आप एक टीनेजर होकर लिप कलर लगा रहे हो, अगर आप चाहो तो टिंटेड लिप बाम लगा लो, टिंटेड लिप क्रेयन जो आते हैं लिप बाम के तरीके से, वो अप्लाई कर सकते हो। उससे आपके लिप्स नेचुरली ब्यूटीफुल लगेंगे और सेफ भी रहेंगे। एंड दूसरी चीज, लिप्स पे जो किनारे किनारे जो काला कालापन से छा जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत ही गंदा लगता है, बीच में अजीब सी व्हाइटनेस आ जाती है लिप्स पे, या फिर पिंक या फिर पीच लगते हैं लिप्स, किनारे किनारे काले हो जाते हैं, उससे पूरी की पूरी खूबसूरती मिट जाती है होठों की। तो उससे बचने के लिए भी आप लिपस्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, और लिप बाम का इस्तेमाल और लिप मास्क का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें। और आप लिप्स को स्क्रब करती रहें एवरी डे, मॉर्निंग में नहाते समय लिप्स को स्क्रब जरूर करें। तो ये है रिव्यू दोस्तों। बात करें ट्रांसफर की, तो लिप बाम है ये, तो ट्रांसफर होता ही है, ये आप देख लीजिए। बहुत माइनर सा टिंटेड लिप कलर है, जो कि यू नो ट्रांसफर होने के बाद भी एज इट इज लिप्स पे बरकरार है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इस अच्छे लिप बाम को जरूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको स्किनेला के और प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखने हैं तो मेरे चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, चैनल रारा पर, और मेंबरशिप जरूर लें, जिससे कि मैं आपके बोले हुए उन प्रोडक्ट्स के रिव्यू कर सकूं जो आप चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी आप मेरे से बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो और मैं नहीं अफोर्ड कर पाती हूँ वो चीज़,
आपको बुरा लगता है, उसके लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग मेरे चैनल पर मेंबरशिप जरूर से लीजिए, जिससे कि मैं आपके रिक्वेस्टेड वीडियो कंप्लीट कर सकूं, स्पेशली फॉर एक्सपेंसिव ब्रांड्स के। और अगर आपको वो प्रोडक्ट्स गिव अवे में भी चाहिए आफ्टर रिव्यू, तो मैं वो आपको गिव अवे में प्रोवाइड करा दूंगी, भले ही वो कितना ही एक्सपेंसिव हो, अगर आप मेरे चैनल पर मेंबरशिप लेते हैं तो। तो दोस्तों ये तो हो गई बात, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा। लेकिन इस लिप बाम में नहीं है SPF, तो मैं बोलूंगी कि आप एक बार को लिप बाम SPF वाला भी जरूर प्रेफर करें। बट बात करें इसकी, तो आपको नाइट टाइम के लिए अच्छा है, और नाइट में आप इसे एज अ लिप मास्क अप्लाई करके सो जाइए, आपके लिप्स मॉर्निंग तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।